हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग का फॉलो कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया मेगा प्रोजेक्ट दैट शॉक्ड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के वो मेगा प्रोजेक्ट जिन्होंने दुनिया को हिला डाला है। अच्छा, हाँ जी। तो अब ये मतलब के वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है जहाँ पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहा है, कहीं पर बन चुका है। और आज हम लोग ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया है, और आप एक हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करेंगे। इंडिया तेजी के साथ बदल रहा है। पिछले 10 सालों में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अब तक इंडिया ने इंडिया को बहुत ही अनडेवलप्ड एंड पुअर कंट्री दिखाया जाता है, लेकिन इंडिया में बना ये सारे प्रोजेक्ट सबकी बोलती बंद कर दिया है। इंडिया ने दिखा दिया है हम भी किसी से कम नहीं, और आगे आने वाले समय में इंडिया कई सारे देश को पिछड़ कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली और एडवांस कंट्री बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं इंडिया की टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में इंडिया को एक अलग ही परिचिति दिलाया है। ऐसे तो दुनिया में आपने कई तरह के रेलवे ब्रिज देखा है जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में बन रहा है? इंडिया में जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। बिटवीन बकाल एंड कौरी ये ब्रिज आईफल टावर से भी ऊंचा है, जहाँ पे आईफल टावर 324 मीटर ऊंचा है, जो आईफल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचाई। इतने ऊंचाई में बन रहा ये रेलवे ब्रिज दुनिया में एक चर्चित विषय बन गया है। जम्मू के कटरा से श्रीनगर के कौरी को जोड़ने का काम करेगी ये ब्रिज। कटरा से बनी हाल जो 111 किलोमीटर का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, चिनाब ब्रिज उसी लाइन का हिस्सा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई है 1300 मीटर। इस ब्रिज की जो डिजाइन है उल्टा चांद की तरह आर्क शेप में बनाया गया है। ब्रिज को स्टील एंड कंक्रीट से बनाया गया है, जहाँ पे 26,000 टन स्टील यूज हुआ है, 26,000 टन जो -25 डिग्री सेल्सियस को भी सहन कर सकता है। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे एडवांस सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा कुछ मात्रा में भूकंप को भी सहन कर सकता है। अच्छा। और अगर ब्रिज में कोई बम धमाका भी हो तो भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, और इस ब्रिज को बना रहा है इंडिया के जाने माने कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। ब्रिज को बनाने के लिए 12,000 करोड़ रूपए लगा है। दोस्तों, क्या आप क्रिकेट के फैन हो? बिल्कुल। क्रिकेट आपका पैशन है तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश में मौजूद है। अहमदाबाद में है ना? सेकंड बिगेस्ट। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मामूली जी का मौजूद था। कमाल का ईडन गार्डन स्टेडियम, लेकिन हाल ही में बना गुजरात में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। हमारे देश में लगभग हर एक स्टेट के अंदर क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, और जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाता है। और हाल ही में बना मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ इंडिया का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। न्यू स्टेडियम बनाने से पहले यहाँ पे 1982 में स्टेडियम को बनाया गया था, जो गुजरात स्टेडियम नाम से जाना जाता था, और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया। अच्छा। साल 2015 में पुराने स्टेडियम को तोड़ के एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रपोजल चाहता था। ये सिर्फ बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बने, और उसी मुताबिक प्लानिंग डिजाइनिंग शुरू हो गया। पुराने स्टेडियम को तोड़ के उसी जगह पे न्यू स्टेडियम को बनाया गया। लगभग 5 सालों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम को बनाया गया। 10,000 लोग गैलरी में बैठ के मैच देख सकता है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान ने और एक माइलस्टोन बना दिया। इस स्टेडियम को भी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा। है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 700 करोड़। स्टैचूज जो दुनिया में अलग अलग देश में अलग अलग स्टैचूज बना हुआ है, इनमें से कुछ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्टैचू है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्टैचू हमारे देश में मौजूद है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, और अब इससे भी ऊपर बड़ी बन रही है शिव जी के स्टैचू। आई थिंक बन रहा है क्रिस्ट की हाइट है 38 मीटर। रशिया में होमलैंड मदर की हाइट है 85 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है 93 मीटर। चाइना में स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा की हाइट है 153
3 मीटर और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर जो इसे बनाता है दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। उन्होंने अपने कूटनीति चाल से भारत को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उनके स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। इतने बड़े मूर्ति को भी लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया है, जहाँ पे 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक ही कंपनी का ने मिलकर दिन रात एक करके स्टैचू को बनाया है। स्टैचू की बेस लोहे से बनाया गया है और पूरे मूर्ति को स्पेशल स्टील एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाकर बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि स्टैचू के अंदर जाकर लोग ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा, ऊपर हाँ गैलरी भी मौजूद है जहां से शानदार नजारा दिखता ऊपर है। तक बना जाता है। 50 करोड़ रुपए के लागत से स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है और दुनिया में इंडिया को अलग परिचिति मिला है स्टैचू ऑफ यूनिटी के वजह से। नाम भाई इंडिया का बन गया। आप पहाड़ों में कभी ट्रैवल करने गए हैं? अगर पहाड़ों में आपने कभी ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा शहर की तरह एक समान रोड वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे पहाड़ों के साइड में पत्थर काट के घुमा फिरा के रोड्स को बनाया जाता है, जिस वजह से एक से दूसरे जगह तक जाने में बहुत सारा समय लग जाता है। खतरनाक बना लेकिन क्या आपको पता है पहाड़ों में इसी दूरी को कम करने के लिए पहाड़ों के अंदर से इंडिया में रोड टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। श्रीनगर कारगिल लेह में नेशनल रोड टनल को बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई है 14.02 किलोमीटर एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये अभी 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, काम तेज हो गया है। आपको पता है हाल ही में अटल नगर का उद्घाटन हुआ है, जो एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। इंडिया उसी रिकॉर्ड को फिर से तोड़ के 11,500 फीट ऊंचाई पर 14.02 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा, जिसका मतलब है जहाँ पे अभी जाने के लिए 3 घंटा समय लगता है वो सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये टनल कंप्लीट होने पर इंडिया को बहुत सारा फायदा है, इससे काम बहुत तेज होगा एंड इकोनॉमिकली दोनों तरफ से। लद्दाख रीजन में आए दिन बर्फबारी होता ही रहता है, जिस वजह से साल में ज्यादातर समय 5 से 6 महीने तक श्रीनगर से लेह और लेह से श्रीनगर तक रास्ता बंद रहता है। अच्छा। लेकिन जोजिला टनल बन जाने पर इस कनेक्टिविटी का समाधान हो जाएगा। जहाँ पे अभी श्रीनगर से लेह और लद्दाख जाने के लिए 3 घंटे का समय लगता है, टनल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 15 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा। भी उनकी जरूरत के सामान पहुँचाना काफी मुश्किल होता है, उन्हें काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन टनल बन जाने पर ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। माना जा रहा है 5 सालों के अंदर ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा। 2025 तक काम लगा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा। जोजिला टनल को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपए का लागत आएगा। 7,000 एक्सप्रेस वे, वाइट लेन हाईवे, पहाड़ों के बीच सड़क बनाने के बाद अब इंडिया नदी के नीचे से अंडर वाटर रोड टनल बनाने जा रहा अच्छा। है। अब नदी के नीचे से चलेगी गाड़ियां, वो भी 80 किलोमीटर रफ्तार के साथ। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ये टनल बनेगा। और कैसे बनाओगे यार आप लोग? 14.8 किलोमीटर किस टनल को बनाया जाएगा, जो नेशनल हाईवे 54 को नेशनल हाईवे 34 से जुड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग अलग टनल को बनाया जाएगा, जहाँ पे 4 लेन का लंबी कॉरिडोर होगा और इसी टनल होकर आसाम से अरुणाचल प्रदेश तक बहुत ही कम समय में लोग जा सकेंगे। इस अंडर वाटर रोड टनल चीन में अंडर कंस्ट्रक्शन ताइहू नदी टनल से भी ज्यादा लंबी होगी। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अमेरिकन कंपनी लुइस बर्जर के साथ मिलकर बनाएगा। पानी के नीचे से कैसे रोड टनल को बनाने में कई हजार रुपए का खर्च होगा। जो बनाएंगे अंडर वाटर रोड टनल ही नहीं, इंडिया में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी चलने जा रहा है कोलकाता में। गंगा नदी के नीचे से दौड़ेगी मेट्रो। अच्छा, मेट्रो प्रोजेक्ट जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से आप कहते थे ना जापान में ज्यादातर इंडिया में नीचे से दौड़ेगी मेट्रो। गंगा नदी के 30 मीटर नीचे से टनल को बनाया गया है। यहाँ पे कुल 2 टनल है जिसकी अंदर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। हालांकि सेक्टर 5 से फूलबगान तक अभी मेट्रो चल रही है, कुछ काम और बाकी है, उसके बाद इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो अपने राह पर चल पड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ है। अच्छा, इसी तरह इंजीनियरिंग प्लानिंग कई सारे देश अभी सोच रहा है, वो इंडिया ने वो सारे प्रोजेक्ट्स को हकीकत में करने का है, जो पूरे दुनिया के नजर को बदल दिया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ना सिर्फ अंडर वाटर रोड टनल एंड अंडर वाटर मेट्रो बल्कि अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी इंडिया में बनने जा रहा अच्छा। है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और उसी लाइन के कुछ हिस्से भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा, टनल बनाकर आगे ले जाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया एंड यूएई के बीच अंडर वाटर बुलेट ट्रेन पर भी बातचीत चल रहा है। अगर सब कुछ सही होता है तो इंडिया एंड यूएई दुनिया में पहला देश होगा जहाँ पे अंडर वाटर बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होगा।
कमाल है। दुनिया में रफ्तार के परिभाषा को बदल देने हाइपरलूप जो एयरप्लेन एंड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलती है। 1200 किलोमीटर रफ्तार के साथ चलने वाली हाइपरलूप अब इंडिया में बनने वाला है। इंडिया में कई सारे स्टेट हाइपरलूप को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया है, जहाँ पे वो चाहता है कि उनके स्टेट में हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाए जाए। पहला स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ पे मुंबई टू पुणे के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जिसके लिए प्लानिंग एंड डिजाइनिंग हो चुका है। हाइपरलूप कंपनी की तरफ से भी एक डेमो भी दिया जा चुका है। हालांकि महाराष्ट्र में नया सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा गया। इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलुरु शहर के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रहा है। अब देखना यह है कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां पे बनता है। दुनिया में गिने अगर सोच लिया तो ये भी बन जाए। ट्रेन एंड मैग्लेव ट्रेन चलती है, कुछ हो गया। इंडिया में बस इसका ही कमी है, लेकिन बहुत जल्द ये तस्वीर भी बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी बुलेट ट्रेन, ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा। तैयार होने के बाद जापान और इंडिया मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बना रहा है। अच्छा, जापान में रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा, जिसमें कोलकाता से दिल्ली, बेंगलोर से चेन्नई, हैदराबाद कॉरिडोर शामिल है। अच्छा, इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से मैग्लेव ट्रेन बनाने का परियोजना भी बनाया गया है, जहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इंडिया के हर स्टेट में कनेक्टिविटी को और स्पीड अप करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ जमीन पे ही नहीं, दूर महाकाश में भी अपनी उड़ान भर ली है। क्या आपको पता है, दुनिया में इंडिया सबसे पहले मंगल पे जाने वाला देश है। कई सारे देश कई बार कोशिश करने के बाद भी मंगल तक पहुंच नहीं पाए, वही इंडिया पहले कोशिश में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहुंच गया। इस बार इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो महाकाश में इंसान भेजने का प्लानिंग बनाया है। इसरो इंडिया का एक कामयाबी से हो जाएगा, पूरी दुनिया ने माना है। दोस्तों, ये तो था कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में हमने जाना, लेकिन इसके अलावा ढेरों ऐसे मेगा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट, जहाँ पे मुंबई ट्रैफिक को कम करने के लिए समुद्र पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो दर्शाता है और भी प्रोजेक्ट में कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इसलिए ट्रांसपोर्ट में तेजी लाना बहुत ही जरूरी है। इंडिया में करीब 13 शहर में मेट्रो ऑपरेशनल है, और 8 शहर के अंदर मेट्रो कंस्ट्रक्शन पर काम चल रहा है। इंडिया में करंटली मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके लिए कई हजार करोड़ रूपए खर्च हो रहा है। इसके अलावा इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इंडिया में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें भारतमाला, चारधाम रेलवे, चारधाम हाईवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, मणिहाल रोड टनल, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नाम ले लेके थक जाओगे भाई, सागरमाला प्रोजेक्ट, क्या क्या बात है। और मुझे आज पीछे से भूल भी गए, बनने वाला है जो इंडिया को पूरे दुनिया में एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर मानेगी। कोई शक नहीं भाई, इधर ये वीडियो खत्म भाई। पहले तो आप लोग याद करा दो पीछे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, उन्होंने बताया, मैं तो भूल गया हूँ आधे से ज्यादा। यो पहलो कश्मीर वाला, कश्मीर वाला देखे ना, पोल सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और दुनिया का सबसे बड़ा, बिल्कुल। और वो जो टनल बना रहे हैं कश्मीर से लेकर लह तक, वो भाई 6 महीने खुला होता था पहले रोड, वो भी 3 घंटे लगते थे, और 6 महीने बर्फबारी की वजह से बंद। अब वो साल के 12 महीने खुला रहेगा रोड, और नीचे टनल के थ्रू उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और 15 मिनट के अंदर वो रास्ता कंप्लीट, जो 3 घंटे। कमाल कर दिया यार ये चीज, ऐसे ही इन्होंने सोची है कि मतलब बोल सकता है कैसे बनाया होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, और मतलब के अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, अंडर वाटर बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर मतलब के रोड्स, मतलब मैं गिनने में नहीं आता कितने प्रोजेक्ट शुरू हैं। वही तो, और वो जो रोडों के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक अलग ही चीज है। बिल्कुल सही बोला वजाद, कोई शुमार ही नहीं है ना, कि बंदा गिन गिन के थक जाता वही है। वही तो, और खत्म नहीं हो रहे प्रोजेक्ट्स, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स, कितनी मेट्रो पे काम जा रही है, कितनी रेलवे पे काम जा रही है, कितनी वो बल्ब हाइपर लूप गाड़ी है, वो जहाज से तेज चलती है। लो अंदाजा, अंदाजा देखी हुई नहीं अभी तक। वही ना वही, ये चीजें पहले हम जापान में सुनते थे या फ्रांस में सुनते थे, उधर अभी इंडिया में आप सुन रहे हैं, और उससे तेज काम अब चल रहे हैं इंडिया के अंदर। अंदाजा लगा लो यार, कि मतलब इतना तेजी से वहाँ पे ये सारे काम जा रहे, बंदा हैरान रह जाता है। और जिस तरह से इन्होंने और प्रोजेक्ट किए हैं ना, खास कर रोडों के मामले में इन्होंने, हमारे पास दुनिया की सारी हदें पार कर दी। वही ना, पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट नहीं इस टाइम शुरू किया ऐसा बड़ा, लेकिन जब से मोदी जी इंडिया के अंदर आए हैं, मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। मैं क्या बताऊँ, इधर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो रुकवा दिए। वजह एक बात है,
ये जो मैदे गटगड़ी की वजीर है वो है रोडो के मिनिस्टर, रोडो के मिनिस्टर उन्होंने भी जाल बिछाया हुआ है ये सारे उनके अंडर है मतलब रोड शोड सारे उन्होंने। पहले बनता था दिन का 20 किलोमीटर, अब 40-50 किलोमीटर बनता है इनकी हुकूमत के अंदर दिन का रोड पूरे कंट्री में। अंदाजा लगा के डबल से भी ज्यादा, ये हर चीज खुद देखने जाते हैं। मोदी जी भी पहुंचते हैं और जिस तरह के प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कोई शक नहीं, इंडिया को एक प्रूव करते हैं कि इंडिया सुपर पावर है और इंडिया ने ऐसी ऐसी चीजें की जो और दुनिया के देश नहीं कर सकते कम वक्त में। वही ना, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोग बना रहे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।